और इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर में पुलिस की गोली से एक युवक की मौत के बाद तनाव बढ़ गया है। प्रशासन ने 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू कर दिया है। मामला पुलिस कांस्टेबल के डंडा मारने के बाद गर्माया। डंडे से पिटाई से गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव कर आगजनी की, पुलिस के वाहनों को फूंक दिया। भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। शरद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, पूरी खबर बताएं। श्वेता, थोड़ी सी नासमझी से उपजा हुआ विवाद इतना बड़ा हो गया है कि जयपुर के 5 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मोबाइल और इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। ये रामगंज का मामला है जयपुर का। वहां पर ठेला और थड़ी हटाया जा रहा था, इसी बीच पुलिस डंडा फटका रही थी। डंडे से एक की चोट लग गई, उसको लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि लोग थाने घेराव कर लिए। थाने में कार्रवाई हो ही रही थी कि थाने पर पथराव शुरू हो गया। उसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि पुलिस की तरफ से जो बयान आया वो कह रहे हैं कि हमने गोली नहीं चलाई, हमने गोले नहीं छोड़े, लेकिन इतना ज्यादा तनाव हो गया जिस वजह से एक युवक की मौत हो गई है, जिसमें करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी सीरियस बताए जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और 5 थाना क्षेत्रों में जो ओल्ड सिटी है जयपुर का, पिंक सिटी से कहते हैं, वहाँ पूरी तरह से कर्फ्यू है अभी। जी शरद, लेकिन भीड़ को काबू करने के पुलिस के और भी उपाय हो सकते थे, लेकिन उसके बावजूद गोली चलाना जरूरी नहीं था। आप जिस तरह से वहां पर थाने का घेराव किया गया था, माना जा रहा था कि सब कुछ शांति से निबट रहा था, इसके पीछे से कुछ मुंह पर कपड़ा बांधे, जैसा कि पुलिस कहना है कि मुंह पर कपड़ा बांधे कुछ उपद्रवी तत्व जो भीड़ में थे, उन्होंने अचानक से भीड़ पर पथराव कर दिया और पुलिसकर्मी जब घायल होने लगे तब जाकर स्थिति को नियंत्रित में करने के लिए, भीड़ को वहां से हटाने के लिए इस तरह के उपाय करने पड़े। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पथराव के बाद किस तरह से, देखिए आगजनी भी हुई है और पुलिस का जैसा कि बयान है जो कहना है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया गया, लेकिन फिर भी पुलिस का ये कहना है कि उनके तरफ से गोली नहीं चलाई गई है।